डिकस करने वाले हैं अबाउट द एजुवेंट्स सो एजुवेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको कि अगर हम एंटीजन के साथ मिक्स करें और उसको इंजेक्ट करें तो वो उस एंटीजन की इम्यूनोजेनेसिटी को इंक्रीज कर देता है उसकी इम्यूनोजेनेसिटी को एनहांस कर देता है सो वट इज़ दिस इम्यूनोजेनेसिटी देखो दो टर्म्स होती हैं एक तो होती है एंटीजेनेसिटी और एक होती है इम्यूनोजेनेसिटी इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी of the antigen to induce a uh, immune response ki wo ek humoral ya cell mediated immune response jo hai usko induce kar sake to wo jo ability hoti hai usko immunogenicity bolte hain and uh, antigens uh, क्या होते हैं एंटीजेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो रिकोगनाइज कर सकते हैं उनको so, वी वर टॉकिंग अबाउट द एजुवेंस तो एजुवेंस एक ऐसा सब्सटेंस है कि अगर आप उसको एंटीजन के साथ मिक्स करके इंजेक्ट करो तो वो उस एंटीजन की इम्यूनोजेनेसिटी को इंक्रीज कर देगा इम्यूनोजेनेसिटी मीन्स द एबिलिटी टू इंड्यूज़ इम्यून रिस्पॉन्स आइडर

सो so, अब हम इस डायग्राम से देखते हैं ये हमारे पास वीक एंटीजन था वीक एंटीजन जब इम्यून सेल्स के साथ इंटरैक्ट करा उसने तो वहाँ पे हमारी कोई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं हुआ कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हुआ वहीं अगर हम वीक एंटीजन को क्या करें वीक एंटीजन को ये हमारा वीक एंटीजन है ये वीक एंटीजन जो है हमने एडजुवेंट ऐड करा है एडजुवेंट के ऊपर उसको ऐड करा है तो हमारा क्या बन गया एंटीजन एडजुवेंट कॉम्प्लेक्स बन गया अब जब ये इम्यून सेल अब ये क्या करेगा अब ये इम्यून सेल्स के साथ जब इंटरैक्ट करेंगे दे विल इंटरैक्ट विद द इम्यून सेल्स एंड अब वहाँ पे क्या हो जाएगा एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा सो so, इसका मतलब कि एजुवेंट जो है वो उनकी इम्यूनोजिटी को इनहेंस कर रहा है सो एजुवेंस का क्या क्या रिजल्ट हो सकता है क्या क्या उनके इफेक्ट हो सकते हैं सो दे रिजल्ट इन एंटीजन प्रजिस्टेंस इज़ प्रोलोंग्ड को स्टिम्युलेटरी सिग्नल्स आर एनहैंस्ड लोकल इन्फ्लोमेशन इज़ इंक्रीज नॉन स्पेसिफिक प्लोरिफलेशन ऑफ द लिम्फोसाइट इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द एंटीजन प्रजेंटेशन एंड कीमोकाइन रिस्पॉन्स सो अब हम बात करते हैं कॉमनली यूज एजुवेंट्स के बारे में कि जो कॉमनली यूज एडजुवेंट्स हैं उन कौन कौन सी हैं सबसे पहला है एलुमिनियम एलुमिनियम पोटेशियम सल्फेट जिसको हम एलम के नाम से जानते हैं तो ये एलम क्या करता है जो एंटीजन है एंटीजन है उसको प्रेसिपिटेट कर देगा तो ये अपना एंटीजन था उसको क्या कर देगा ये प्रेसिपिटेट कर देगा इकट्ठा कर देगा एक साथ कर देगा सो so, ये प्रेसिपिटेट कर देता है एंटीजन को जिसकी वजह से क्या होता है जो एंटीजन है वो स्लोली रिलीज़ होगा फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन मतलब अगर आप इसको इंजेक्ट करते हैं किसी माइस के अंदर ये माइस है तो हमने इसको इंजेक्ट कर दिया है यहाँ पर तो अब ये क्या करता है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो चुका है अब ये यहाँ पे जो साइट ऑफ इंजेक्शन हमने यहाँ पे इंजेक्ट करा है इसको तो साइट ऑफ इंजेक्शन से वो बहुत धीरे धीरे स्लोली वहाँ से रिलीज़ होगा जिससे कि क्या होता है इट इंक्रीज़ द कॉन्टैक्ट इफ़ेक्टिव टाइम दैफो जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है प्रेसिपिटेशन से क्या हो जाता है इसका साइज आप देख रहे हैं साइज़ क्योंकि इकट्ठा हो गया है तो साइज़ भी क्या हो चुका है इसका बढ़ गया है साइज़ बढ़ने से क्या होता है कि फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो एनहांस हो जाएगा ये इज़ीली फेगोसाइटोस हो पाएगा नेक्स्ट इज द फ्रीवेंट्स इन कंप्लीट एजुवेंट सो फ्र्यूएंट इनकम्प्लीट एडजुवेंट जो है फ्र्यूवंट का इनकम्प्लीट एडजुवेंट और एक कम्प्लीट एडजुवेंट होता है तो सबसे पहले हम इनकम्प्लीट एडजुवेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है इट कंटेंस द एंटीजन इन द एक्वे सेल्यूशन इसके अंदर मिनरल ऑयल होता है इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि मैनाइड मोनो ओलिएट यहाँ पर क्या होता है कि देर इज़ अ स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे अपने पास स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट होती है आर प्रोड्यूस विच आर सराउंडेड बाई द एंटीजेंस दीज ब्लू वंस आर द एंटीजेंस सो so, यहाँ पे भी क्या होता है जो एंटीजन है दैट इज़ रिलीज वेरी स्लोली फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन नेक्स्ट इज द फ्रिवेंस कंप्लीट एडजुवेंट इसका कॉम्पोजिशन भी सेम है यानी कि इसके अंदर भी क्या होगा एंटीजन इन द एक्वेसोल्यूशन मिनरल ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे कि मैनाइड मोनो ओलियट साथ में यहाँ पे कुछ एडिशनल कंपोनेंट है विच इज़ द हीट किल्ड माइको बैक्टीरियम एंड जो हीट किल्ड माइको बैक्टीरियम है उसके अंदर क्या होता है म्यूरोमिल डाईपेप्टाइड उसकी सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है अब ये जो मिरोमिल डाइपेप्टाइड है ये माइक्रोफेज को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और जब माइक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो वो हाई लेवल ऑफ एमएचसी टू एक्सप्रेस करेगा एंड ऑल्सो हाई लेवल ऑफ बी सेवन मोलिक्यूल डेफो जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगी एनहांस हो जाएगी सो so, जो आपके दोनों लाइक फ्रोन इनकम्प्लीट एडजुवेंट और जो फ्रोन्स कंप्लीट एड्जोवेंट है और लाइक like आपका जो दोनों में फ़र्क क्या है कि जो इन कम्प्लीट एडजुवेंट होता है ना वो ज़्यादा पोटेंट है और उसके अंदर क्या एक एडिशनल कंपोनेंट प्रेजेंट है विच इज़ हीट केल माइक्रो बैक्टीरिया सो बोथ द एलम एंड द फ्रेंड्स एडजुवेंट दोनों ही जो एलम है और ये जो फ्रूंस एडुंट है दोनों ही क्या करते हैं इन्फ्लेटरी रिस्पॉन्स को स्टिम्यूलेट करते हैं जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ जो माइक्रोफेज हैं और जो लिफोसाइट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन साइट ऑफ इंजेक्शन के एंड जिससे कि क्या होता है इट इनहसेज द एंटीजन प्रजेंटेशन एंटीजन प्रजेंटिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स का जो रेट है वो भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है सो एजुबेंस बेसिकली आपके एपिटोप के साथ भी दे डोंट इंटरफेयर विद द एपिटोप एपिटोप के साथ भी ये इंटरफेयर नहीं करते हैं एंड एजुबेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जैसा आपने देखा कि वीक एंटीजन था वो कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा था लेकिन जब हमने एजुवेंट के साथ उसको मिक्स करा तो अब वो क्या हो गया वो इम्यूनोजेनिक हो गया अब वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पा रहा था सो देअर फो जो एजुवेंस है वो क्या कहते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं सो दैट्स ऑल फोर टुडे एंड इम्यूनोलॉजी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं एंड दैट्स ऑल फोर टुडे इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट वीडियो फ्रेंड्स एंड डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे